Last portion, it is from history, book of history. Char Minar is situated in which city? Char Minar, कहाँ पे स्थित है? किस शहर में स्थित है? ये कम से कम इसको बस मिलाई है. Wrong answer, correct answer is हैदराबाद, आंध्र प्रदेश. 20. So National High School scored only 20 out of 50. Please give big round of applause for National High School. Then we have group Inter High School. For you guys, who has won bronze medal in London Olympics in badminton? Saina Nehwal. India, area wise, area change. Goa is the correct answer. Name of the national flower of India. Lotus. Lotus is the correct answer. Fourth question. Who has directed the film Dhawan? The Dhawan ke director ka naam kya hai? Anurag Kashyap. Wrong answer. Correct answer is Abhinav Kashyap. And last question for group G. Gateway of India is situated in which city? Gateway of India kahan is situated? Mumbai. Right answer. So, we have finished our first round, 40. How many groups are having 40? Wrong answer, 5 number. What was the achievement of group is Crescent Public School? Mary Kom in Olympics 2012. Mary Kom ka kya achievement tha Olympic 2012 mein? Bronze medal. In which sport? Boxing, women's. Right answer. You are from? Sarsayed Public School. What was the achievement of Vijay Kumar in London Olympics 2012? Vijay Kumar. Silver medal. Which sport? Air lifting. Right answer. What was the achievement of line of Sushil Kumar in London Olympics 2012? Sushil Kumar ne kya yogdan kya achievement wahan pe? Pass. Zero answer. Love Yogendra Kumar in Olympics 2012. Inter High School. Silver medal. Wrong answer. Minus 5. So again we are very tough time here. We select the winners. Sarsayed Public School. Shahjahan, who has made Taj Mahal to construct Red Fort in Delhi? Wrong answer. We have second position holder. They have come from all the way from Barsi Kathiar. Sarsayed Public School is
already second position. And we have come to Talent ka swagat karte hain. सेकेंड एंड थर्ड आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोग्राम के आखिर में मिल जाएगा, आप लोग अपने जगह पे जाकर मैच हो जाए. पैदाइश
इतिहास। Thank you.
स्कूल की टीम को प्लीज आप स्टेज पर आए।
बातों पर देर मत हो, लड़कों के बीच लड़की की कहानी लेगा। चलो शुरू करो। दो एक कम दो, दो दो तीन चार, मास्टर चली मास्टर को मार, दो तिया छे दो छक्का, लड़की की आमद मास्टर की रात, दो तीन चार दो छक्के बारा, खाएंगे जल्दी होंगे तो बारा, दो सात चार दो आठ सबको रोटी दे मेरे मौला, दो ना मार खाना दो दो सिर्फ फीस, बस कल लेकर आना स्कूल की फीस, पढ़ाना पढ़ाना तुझे सिर्फ फीस मांगे। चलो लेकिन पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, यहाँ लड़कियाँ नहीं हुई क्या? लड़की लड़की पढ़कर क्या करेगी? चूल्हे की चक्की के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भाई लड़की को पढ़ाओ, घर बैठे आप बुलाओ, बैलगाड़ी में पतवार की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बैलगाड़ी के दो चक्के होते हैं, अगर उस बैलगाड़ी में एक चक्का मजबूत हो और एक कमजोर हो तो जानते हो उस बैलगाड़ी का हालत क्या होगा? कंडक्टर कुएं की मिट्टी कुएं में चलते हैं सर। बस बस तुमने ही सीखा क्या यार? आजादी जो हमें मिली है क्या पुरुषों के बल मिली है? तरक्कियां हम देख रहे हैं आज, क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए? तुमने मीरा भाई का पद नहीं बना, पता नहीं तुम्हें कौन कौन से आदमियों ने किस किस तरह की बातें तुम्हारे मस्तिष्क में भर रखे हैं, ऐसा प्रतीक होता है हमारे तुम्हारे मस्तिष्क में भूसा भरा भूसा, समझ में नहीं आते। चलो चलते हैं आज, मैं लड़कियों से इसके बारे में बात करूंगा। सटिया किया है लड़की को बनाने की बात करना है। ये बच्ची तजिद क्यों कर रही? मेरी बेटी है, शहर पढ़ने जाना चाहती है, आप ही समझाइए। अरे भाई लड़कियां क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? घर से बाहर क्यों जाए? क्यों जाए? क्यों जाए? अपने हक के लिए क्यों लड़े? क्यों लड़े? क्यों लड़े? मैं पढ़ने जा रही हूं जान लूंगा स्कूल बिल्कुल नहीं। बाहर देखो, बाहर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर देखो, अपने हक को पाना सीखो, हक को लड़ना सीखो, बाहर देखो, बाहर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर देखो। अरे भाई आप इस लड़की के पीछे क्यों पड़े? पढ़ने लिखने में क्या तरह है? अपना घर में काम करने दो। तुम कौन होते हो हर बार इस तरह की टांग लगाते रहते हो? तुम्हारे मस्तिष्क में भूलता बड़ा भूलता सुन में नहीं आती। आप मुझे नहीं जानते, मैं इस देश की महान प्राचीन संस्कृति रक्षक। तुम ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम झूठा मक्कार संस्कृति के बारे में भी, तुमने कितनी भी बातें संस्कृति के बारे में बोले बस सरासर गलत। हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ शुरू से ही ज्ञानी हुई है ज्ञानी। क्या तुमने गागी का नाम नहीं सुना जिन्होंने यागा दल से शास्त्र किया था? बस लड़कियों को पढ़ाना शास्त्र के विरुद्ध है, फिर लड़कियां पढ़कर क्या करेगी? क्या वो लड़के के बारे में पाएगी? क्यों आज लड़कियां डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ लड़कियां प्रगति नहीं कर रही? हर वो क्षेत्र में लड़कियां निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। बस बस इस बात ने हमारी संस्कृति मर्यादा और नैतिकता को भंग कर डाला। पति को परमेश्वर उधर मारो, परमेश्वर मारो, सास ससुर की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, पहले उन्हें खिला तो बच्चे तो खाओ, बच्चे तो खाओ, बच्चे तो खाओ। सरस्वती इसे हम ज्ञान की देवी मानते हैं, वही सरस्वती आज इस अज्ञानता अनैतिकता एवं रूढ़िवादी के पिंजरे में बंद। इसका जिम्मेदार कौन है? इसे बंद करने वाला कौन है? सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सामाजिक ज्ञान के दो रंग होते हैं, एक स्त्री और पुरुष, दोनों के संतुलन पर ही समाज संचालन संभव है। अगर इन दोनों में किसी एक को भी विकार आ गया तो वहां पर गति अवरुद्ध हो जाती है। आज पुरुष समय के अभाव के कारण अपने ही आंगन में अकेले नंदा कानन की प्रतिमा नहीं लगा सकते, वो इस संघर्ष के पद पर अपना विजय ध्वज नहीं फहरा सकता। आज हम देखते हैं समाचारों में सुनते हैं कि लड़कियों को नारियों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो अपना हक कैसे जाने? अतः नारी शिक्षा नितांत आवश्यक है, उसके शिक्षा पर ही वो अपने पर होने वाले भेदभाव शोषण दोहन और अनेकों अत्याचार को पहचान सकेगी और इससे लड़ने की भी कोशिश करेगी। आइए हम नारियों के हित के लिए एक गीत गाते हैं। पढ़ना सीखो लिखना सीखो हक के खातिर लड़ना सीखो 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 तोरो 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 आप तुम्हारे काम सभी कुछ कर सकते हैं।
पाप तुम्हारे पर्वत चढ़ सकते हैं। अब लड़ाई हो सबला हो तुम अपनी शक्ति को पहचानो, जानो जानो जानो। हसरत उन गुच्छों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। आदरणीय सभापति महोदय, गणमान्य नागरिक और मेरे साथियों, आज सीमांचल के इस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मैं निहाल अहमद आप लोगों के सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो आजकल के बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और शिक्षा से कोसों दूर हैं, वंचित हैं। इस कविता का शीर्षक है कागज पर कानून। नियम कानून बन गया खूबसूरत बन गई दस्तावेज, नियम कानून बन गया खूबसूरत बन गई दस्तावेज, होटलों और ढाबों में दिख जाएंगे बच्चे सरकार समझ आई खुद को तेज। ऐ जमाने वाले वक्त के साथ चल, ऐ जमाने वाले वक्त के साथ चल, तभी तो तू मुकाबला कर पाएगा, बगैर तालीम के भला इस दुनिया में तू क्या कर पाएगा। अक्षरों को नहीं पहचान पाए अगर तुम, अक्षरों को अगर नहीं पहचान पाए तुम, तो एक दिन तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। गुस्से में थे वो सोचे कि अकेला पूरा पानी पिएगा, तो तीनों कुत्ते यानी चारों कुत्ते पास उस कुएं में खुद कूद पड़े और अपने जान गवा पड़े। पर मुझे उस बात की अफसोस नहीं है कि मेरे वो चारों कुत्ते मर गए, पर मुझे उस बात की अफसोस है कि वो चारों कुत्ते कोई और नहीं मेरा अपना जिगरा भाई था। मैं उस भाई के लिए अपना जान तक दे दूंगा। मैं भी जा रहा हूँ अपने भाई के साथ उस कुएं में जान देने, मैं जा रहा हूँ अभी जाऊंगा। नहीं नहीं, उससे पहले आप सबको बता दे रहा हूँ उस तो उस चारों कुत्ते नर्क गए या स्वर्ग, मुझे उस बात की अफसोस नहीं है। मर भी अगर नर्क जाऊंगा तो आप सबको लेकर जाऊंगा, एक एक को चुन ले जाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, सबको उठा ले जाऊंगा, कितने को नहीं छोड़ूंगा, कितने को नहीं। मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, पर देख लीजिए आप सबको मैं नर्क ले जाऊंगा तो पीछे पचकी मार के मैं अकेला भागाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। तूफान से निकल सकती है, समा बुझकर जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड का आदमी किशनगंज में आ गया, भारत होटल में आया, तो वो तो इंग्लिश जानता है वो, तो भारत होटल आया तो हैंडपंप को जो देखा टीवी, मतलब हैंडपंप, तो वो बोला व्हाट इज दिस, स्टाफ को बोला व्हाट इज दिस, तो स्टाफ जैसे मिठाई मांग रहा, तो मिठाई लाके दिया, तो फिर बोला व्हाट इज दिस, तो और चीज लाके दिया, तो और फिर बोला एक स्टाफ को व्हाट इज दिस, तो उसको समोसा लाके दिया, वो समझ नहीं रहा था इंग्लिश। तब जो भारत होटल का ये मालिक जो है वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, इंग्लिश जानता था थोड़ा, तो ये उसको बोला सर व्हाट इज दिस, तो मालिक बोला दिस इज ए नल्ला सर, ऊपर पाया खुल्ला तो नीचे ना पाया खुल्ला। बीड़ी पीने से दो फायदे, टीबी होगा या कैंसर हो, टीबी होने से कोई फायदा नहीं, कैंसर होने से दो फायदा, मरेगा या बचेगा, बचने से कोई फायदा नहीं, मरने से दो फायदा, जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, दफनाने से कोई फायदा नहीं, जलाने से दो फायदा, चाहे तो राख बनेगा चाहे डिटर्जेंट बनेगा, राख बनने से कोई फायदा नहीं, डिटर्जेंट बनने से दो फायदा, साबुन बनेगा या फिर और कोई चीज बनेगा, साबुन बनने से दो फायदा, लड़का लगाएगा या लड़की लगाएगा, लड़का लगाने से कोई फायदा नहीं, लड़की लगाने से दो फायदा, बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगा, बेटी पैदा होने से कोई फायदा नहीं, बेटा पैदा होने से दो फायदा, बीड़ी पिएगा या सिगरेट पिएगा। और मैं कुछ एक्टर्स का आवाज निकालना चाहता हूँ।